What's up guys, तो कैसे भाई लोगों, तो एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। गाइज आज मैं खेलने वाला एक नया हॉरर गेम जिस गेम का नाम है द गूज बम स्केयर नाइट ऑफ स्केयर। तो इसके दो पार्ट हैं फिलहाल, नाइट ऑफ डेथ भी है पर फिलहाल उसको हम नहीं खेल रहे हैं, फिलहाल हम इसका फर्स्ट पार्ट खेल रहे हैं। ये मोबाइल गेम, इफ़ यू वॉन्ट टू प्ले दिस गेम यू कैन चेक द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड दिस गेम ऑन प्ले स्टोर ऐप स्टोर। And if you want to play it on PC, this game is also available on Steam. Okay, as a second. So, चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, जैसे आपको पता है द गेम इज मेड बाई यूनिटी। तो चलिए गाइस देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसका। भाई इसकी जो होम स्क्रीन है वो मुझे बहुत मस्त लगती है, जैसे आप देखते हो यहाँ पे जंप स्केयर, भाई ठूस ठूस के जंप स्केयर बढ़े हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ जंप स्केयर। ओके सो इफ यू लाइक दिस गेम सो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट फॉर मी। ऑलराइट, तो भाई हम स्टार्ट करते हैं किससे, प्रोलॉग से, और देखते हैं यहाँ पे इस गेम का क्या हाल है। ओके, टैप टू हाईलाइट फुटप्रिंट्स टू मूव। ओके गाइस, यहाँ पे एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट ये है कि यू कैन प्रेस द फुटप्रिंट एंड फॉर मूव। तो यहाँ पे आपको अगर आगे बढ़ना है तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे इस फुटप्रिंट में क्लिक करना है और आप ये तुरंत आगे बढ़ जाओगे। फाइंड द टाइपराइटर। ओके, तो ये टाइपराइटर यहाँ पे मुझे बुला रहा था, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके ओके, तो ये टाइपराइटर है, यू कैन स्पीक। ओके, फाइंड द टाइपराइटर टू द स्ट्रेंजर। हे, आई एम अ मैजिक, I'm a writer. I'm a writer. I'm a Stein. He's so confused. मतलब ये थोड़ा सा confused है. Just R.L. Stein, a writer. I wrote. तो कैसे बंदा ये जो है यहाँ पे बंदा क्या कहें, मेरा टाइपराइटर जो बोल रहा है ये बोल रहा है, इसने गूज़बम्स नाम की ये बुक लिखी थी जिसके 400 मिलियन कॉपी बिकी जी हैं भाई, तो मतलब ये बहुत ही। ओके, तो इसकी इंक खत्म हो गई, इसको इंक चाहिए, मर रहा है ये, इसको सांस नहीं आ रही है, तो इसको देते हैं हम यहाँ पे इंक। इसकी ये रही, लेट ठूस ले इंक और भौंक जो बोल रहा है। ओह माय गुडनेस भाई, अब जाके इसको थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है। मच बेटर। ओह शिट, कोई आ रहा है क्या? ओह नो। ओके भाई, सोचो मुझे अंडर के अंडर द डैश छुपने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ। भाई मैं छुप गया यहाँ पर फिलहाल। व्हाट द हेक, स्टे वेयर यू आर। ओह माय गुडनेस, अबे वो क्या था, वो मैं मर कैसे गया, मैं तो भाई डैश के नीचे छुपा हुआ था। Listen. Oh no. Hide quickly under the desk. Okay, press I button. Oh shit, man. मैं भूल गया भाई. That time I have to press the ice button here. Okay, तो मुझे ice button दबाना था, मैं भूल गया था, इसलिए उस बंदे ने मुझे देख लिया, उसकी आंखें चमकी और मैं मर गया। Just one won't do. तो ये बंदा यहाँ पे कुछ बोल तो रहा है, मनी मन कुछ बड़बड़ा के और ये चला गया वापस। ओके, इस पर थोड़ी सी नज़र रखता हूँ। बस छोटा सा पपेट टाइप का है यार ये, इसने मार कैसे दिया मुझे। और भाई तो ये चला गया, मैं बाहर आ जाता हूँ। Slappy released, he must be stopped. Look near the Egyptian statue. Okay, yes, हाँ देख लिया। Stop him. First, I need you to find a book. It's called Night of the Living Dummy. I left it over by the Egyptian. Okay, तो अच्छा इसको यही बुक चाहिए होगी। Okay, now all you have to do is something's wrong. The book is missing some pages. तो गाइस हमको यहाँ पे बुक तो मिल चुकी है पर इसके ये बोल रहा है कुछ पेजेस मिस हैं। तो यहाँ पे एक पेज हमें इसने बोला है कि यहाँ पे फायर उसके यहाँ पे, तो इससे पहले आग के अंदर घुस जाए इसको उठा लेता हूँ। ओके, यू विल नीड टू मोर पेजेस, देयर समवेयर इनसाइड दिस हाउस, यू नीड अ की टू गेट आउट ऑफ द स्टडी। ओके, तो गाइस अब हमारा यहाँ पे एक टास्क ये है कि हमें बाकी जो लॉस्ट जो पेज हमने ढूंढने हैं, और ये बोल रहा है टाइपराइटर बोल रहा है ये जो पेज हैं यहाँ घर के किसी दूसरे रूम्स में होंगे, तो इसको जाके ढूंढो। और जो इसने बोला बाहर निकलने के लिए डोर लॉक्ड है, हमें यहाँ पे लाइट ऑन करनी है, और यहाँ पे जो इसने बोला कीज़ हैं जो ब्लू बुक्स के अंदर कहीं हैं पीछे आगे पीछे, तो मैं देख तो देखता हूँ। ओके, तो कीज़ तो मुझे मिल गई हैं, आई गॉट द कीज़। ओके, तो मुझे यहाँ पे टास्क कंप्लीट करना सीधे से सिंपल से, यहाँ से मैंने बाहर निकलना, ये रहा मैप। ओके, तो बेडरूम में एक मुझे पेज मिल जाएगा, ठीक है। I don't want to scare you, but if you see or hear anything, okay, तो भाई इसने सिंपल सा मुझे वार्न कर दिया, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ दिखे तो भाई तुरंत जाके छुप जाना है, ठीक है। ओह शिट,
That's a graveyard ghoul. Don't go downstairs yet. Oh shit, shit, भाई छुपना पड़ेगा. तो आई थिंक ये मुझे इसी के लिए वॉर्न कर रहा था, अगर कुछ भी दिखे तो तुरंत छुप जाओ. तो भाई मैं यहाँ पे बाथ टब में आके घुस गया हूँ और देखते हैं मैं अभी बंदा यहाँ पे, जो भी बंदा बंदी ये जंगली. ओह शिट, तो मैं हर बार भूल जा रहा हूँ कि मुझे छुपने के लिए भाई यहाँ पे आइस बटन प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आगे मुझे कर जाएगा. ऑलरेडी चला गया है तो मैं जा रहा हूँ, मुझे बेडरूम में जाना है क्योंकि मैंने मैप में देखा था ये यहाँ पे बेडरूम में लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली पेज मिल जाएंगे, तो मुझे बिना टाइम वेस्ट के निकलना है बेडरूम में. और बेडरूम है कहाँ यहाँ पर? ओ तो गाइस मुझे सेकंड पेज तो मिल चुका है, बहुत अच्छे. और यहाँ पे कुछ है यार, बर्निंग बुक है यहाँ पे, क्या चल रहा है इसमें? अटैक द ग्रेवयार्ड गुल. ओके तो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. अपने एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे दूसरा पेज मिल गया, मुझे लास्ट पेज और ढूंढना है. और वो लास्ट पेज कहाँ पर है अगर मैप में देख लेता हूँ. ओके बेडरूम में ही है वो, मैं जा रहा हूँ. और अभी गाइस मुझे इसने बोला है कि मैं अभी डाउन स्टेयर नहीं जा सकता हूँ, तो इसको छोड़ते हैं. मैं यहाँ पर सीधे घुसता हूँ इस वाले एरिया में जहाँ पर मुझे एक डोर मिल जाएगा. मैं चलिए इस डोर को बंद कर लेता हूँ. ओके आई डोंट वांट डाई अगेन, फॉरगेट इट. तो मैं इसके नीचे जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अंडर द बेड. ओके हे द पेज. ओके आई गॉट द पेज. ओके स्लैपी, मैंने उस बंदे को ढूंढना है जो अभी तक भाग रहा था पपेट की तरह. हाँ मतलब पपेट ही है वो, जो भी है मतलब उसका नाम स्लैपी है. तो मुझे उसके पीछे जाना है और ये बुक ओपन करनी है ताकि ये उसके अंदर घुस जाए, ऐसा कुछ है मतलब. Just make sure the lights are on when you go after Slappy. Coming for you, Stein. Round. You're gonna try and put me in that. That's good. Oh, you win. तो गाइस हमने यहाँ जो पहला जो स्टेज थी वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है. एंड ट्विस्ट स्लैम ट्रैपी स्लैपी इनसाइड द ट्रैपी स्लैपी स्लैपी ट्रैपी इन द जो है बुक के अंदर चला गया और हमारा पहला स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है. बट देन गोल्डन नाइट फेड अवे द सिल्वर वाज इट इविल प्रिंसेस जस्ट यस्टरडे मे लव. तो गाइस यहाँ पे पहला टास्क हमारा कंप्लीट हो गया और ये आ चुका है हमारा सेकेंड चैप्टर टू, कलेक्ट सिक्स पेजेस. तो गाइस इस बार हमने सिक्स पेजेस कलेक्ट करने हैं, जिसमें से तीन पेजेस हमें यहाँ पे सेकंड फ्लोर में मिलेंगे और जिसमें से तीन पेज हमें फर्स्ट फ्लोर में मिलेंगे, किचन में मिलेंगे, डाइनिंग टेबल में मिलेंगे, डाइनिंग रूम में मिलेंगे और पैरलोर में मिलेंगे. ओके तो अभी हमें जाना है सिंपल सा. तो गाइस मैंने एक पेज तो देख लिया, यहीं से मुझे एक पेज दिख गया है. फिलहाल मैं जा रहा हूँ वो ब्लूज बुक के साइड में, वहाँ पर मुझे एक पेज मिला हुआ है, दिख रहा है. ओके एक पेज मुझे मिल गया गाइस, यहाँ पे मैं हूँ और ये दूसरा वाला मुझे मिलेगा एम बेडरूम में, जो यहाँ पे किसी बंदे का बेडरूम है. तो मैं वहाँ पे जा, ओह शिट ये फिर से आ गया भाई. इससे बचने के लिए मुझे यहाँ से कहीं से मैं इस बेड के अंदर घुस जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है. अभी ज़्यादा दूर जाने का समझ नहीं है मेरे पास, और ये पक्का इस तरफ आएगा, मुझे पक्का पता है. सो फॉर नाउ आई एम जस्ट हाइडिंग अंडर द टेबल. ओके ये आ गया तो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ भाई. तो मैं चाहता नहीं है कि मुझे देखे भाई, कौन है ये, पता नहीं क्या जो बोल रहा है भाई. वापस जाते समय इसकी स्पीड बढ़ जा रही है, बहुत ही तेज़ी से जा रहा है. ओके तो आई थिंक अब मुझे बाहर निकल जाना चाहिए, अभी चला गया तो वापस नहीं आएगा भाई. पर थोड़ा सा ना साउंड बहुत क्रीपी था वो. तो क्या मुझे यहाँ पे मिलेगा जो सेकेंड पेज, मैं यहाँ जा रहा हूँ. ओके तो ये रहा एरिया. नहीं ड्रॉर्स में मिल सकते हैं क्या? ड्रॉर्स खोलने का, ओह ये रहा पेज यार. ओके तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में तो पेज मिल चुका है. ओके फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है. अब मुझे जाना है फर्स्ट फ्लोर में, ठीक है. फर्स्ट फ्लोर में जाना है यार भाई, यहाँ से मुझे लेनी पड़ेगी स्टेयर्स, ठीक है. ये आ गया मैं इस वाले एरिया में. ओके तो यहाँ पर एक बुक पहले से बर्न हुई है, क्या है सब? Toy Terror batteries included. So long as it's not the annihilator 3000, we should be fine. तो यहाँ पे कुछ साउंड, oh shit. Oops. If the annihilator 3000, I'd stay out of that red beam. भाई मैं तो उसी के आगे जाके घुस गया था, बच गया भाई, मतलब कि मैं बच गया अभी यहाँ पर. थोड़ा सा इधर आके दिख. ओके तो मुझे गाइस इसकी बीम से बचना है और वहाँ पे मुझे पेज दिख रहा है. ये जैसी बीम उस तरफ निकलेगी मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस बीम से बस के इस पेज को मैं कलेक्ट कर लूँगा, ठीक है.
ओके तो मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये मुझे कंप्यूटर मिल गया, सेकंड फ्लोर में था, मुझे अब फर्स्ट फ्लोर के दूसरी साइड जाना है। ओके मैं जा रहा हूँ उस तरफ। अब भाई मुझे याद रखना है कि यहाँ पर एक वैम्पायर टाइप का भी है, जो म्यूटेंट जो भी है, मतलब घूम रहा है बस यहाँ पे। तो मैं आ गया हूँ इस तरफ। ओ शिट, तो यहाँ कहीं पे पेज वेज दिख रहा है क्या? नहीं, आई थिंक यहाँ कहीं पे पेज नहीं है। अब मुझे जाना है यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में। ओके तो आई थिंक मुझे उसके लिए यहाँ से आगे घुसना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इस बीम से बचना, मुझे बीम निकल गई आगे और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, तो लाइट फिलहाल मुझे खुलने की ज़रूरत नहीं है। ओके तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा, देख लेता हूँ पहले, मिल भी सकता है। तो मैं इस एरिया में हूँ, हाँ यहाँ पे कुछ मिलेगा। यार यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे मैंने मैप में देखा था, मैप में मुझे यहाँ पे वॉशरूम में कुछ भी नहीं दिखा रहा था, उसको छोड़ते हैं। हाँ किचन एरिया, किचन एरिया में आई थिंक कुछ था। ओके तो वैसे ये बोल रहा है यहाँ पे एक से ज़्यादा पेज मुझे यहाँ पे मिलेंगे, तो मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेट करने सीधे से इस एरिया में, देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे ये, ओके ड्रॉर्स ओपन करने का भी मिल रहा है भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला है। ओके मैं यहाँ देखता, ओह एक पेज मिल गया भाई, जो भी खाने पीने की चीज़ें सबको नीचे गिरा रहा हूँ मैं जल्दी से। इतना चिकन कौन खाता भाई, इसके अंदर केला है। ओके तो यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला यार मुझे, तो मैं एक बार देख लेता हूँ भाई यहाँ पे, क्योंकि और ड्रॉर्स भी हैं। तो और ये बोल रहा था यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा पेज इसने बोले हैं, तो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली एक से पेज ज़्यादा होने चाहिए। भाई ये क्या था, घड़ी बज गई। अबे इसने लाइट बंद कर दी यार। ओके डाइनिंग वाले एरिया में मुझे मिलेगी अब एक और, ओ शिट। तो गाइस ये यहाँ पर आ गया, मुझे थोड़ा सा इससे बच के रहना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ इसके अंदर घुस जाता हूँ। ओके तो मैं घुस गया भाई टेबल के अंदर। अबे देख लिया क्या इसने मुझे? नहीं देखा हुआ यार, चलो बस ये नहीं देखा। ओके आई थिंक मुझे यहाँ पर एक पेज और मिलेगा, ठीक है। इसी के पीछे पीछे चलता हूँ भाई। ओके ओके एक पेज दिख गया मुझे यहाँ पर। तो मुझे अभी एक पेज और चाहिए, वो पेज मुझे कहाँ पे मिलेगा मुझे ये जाके देखना है बस। आई थिंक तो मुझे ना कैसे याद है, पिछले बार मुझे जो एक पेज मिला था उस बंदे के उससे मिला था। तो मैं देखता हूँ अगर वो मुझे ऊपर ही की साइड मिले तो, क्योंकि वो छोटा सा पपेट भी घूम रहा है जो वहाँ पे कभी कभी पेज चोरी करके भाग जाता है उधर। ओके तो मैं देखता हूँ, क्या पता वो कहीं यहीं कहीं घूम रहा हो। अरे यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा हो इस बार, तो मुझे उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही। ओके यहाँ जाके देखता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ कुछ मिल जाए। नहीं भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है।
वो ड्रैकुला आ गया क्या? मैंने ड्रैकुला की आवाज़ सुनी अभी, मतलब जो भी है वो ड्रैकुला है, एलियन मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज़ व्हाटएवर। इसके पास नहीं है भाई, तो मुझे लगता है भाई वो पेज मुझे ना कहीं और जाके ढूंढना पड़ेगा, यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा वो पेज। It's probably in the master bedroom. Master bedroom, तो मैं अभी वहीं पर हूँ। भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार, ड्रॉअर के अंदर तो नहीं है। भाई यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है वो पेज। आई थिंक यार वो खुद ही बोल रहा था, अगर उस बंदे ने बोला है मास्टर के रूम पर होगा तो वो मास्टर के रूम पे ही होना चाहिए। व्हाट, बाबू ये कहाँ से आ गया? अभी अचानक ही स्पॉन कहाँ से हो गया? पे चलो वेट करते हैं यहाँ पे इसके निकलने का, जैसे ही यहाँ से हटेगा तो मैं भी यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। बाहर निकलते हैं भाई, मुझे लग रहा ना वो जो पेज लेके इसके पास होना चाहिए पेज। हाँ इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ ओके गॉट, जा डोंट मूव स्टाइन, यू हैव कंप्लीटेड द बुक, नाउ फाइंड स्लैपी एंड ओपन द बुक ऑन हिम, स्टे वेयर यू आर, जस्ट मेक श्योर द लाइट्स आर ऑन व्हेन यू गो आफ्टर स्लैपी। You're gonna get it, get it, get it. Look, that's not gonna work. All right, guys. All right. तो गाइस हमने यहाँ पे सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है। द नाइटमेयर्स एंड्स अगेन फ्रॉम द फर्स्ट नाइट, मैनेज टू द स्टब स्लैपी बैक इन द बुक दिस टाइम फॉरएवर। चैप्टर 3 दैट रिमेन्स द डार्क एंड समथिंग 3 टू 12 है, समथिंग अबाउट 3 1 बाय 2 फीट हाई। तो यहाँ पे भाई मुझे फिर से इसके वो पेज बाकी ढूंढने हैं, तो इसको हम करेंगे लास्ट वाले में नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बी साउंड और स्टे सेफ, बाय। वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड।